बैक टू अवर चैनल अवार रिंकू। बहुत दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आया था तो हमने सोचा क्यों ना एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बना दें। जो भी बंदे बाइक चलाते हैं या मोटर ब्लॉगिंग करते हैं तो इस नाम से काफ़ी वाकिफ होंगे, तो अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा कवर मिलता है इसके साथ, इसके बॉक्स के साथ। तो देखिए ये इसका कवर, ये हमारा ब्रांड न्यू एक्सोर हेलमेट। ये जस्ट अभी लेटेस्ट सीरीज आई हुआ है, राइड फास्ट नेवर लास्ट। तो ये एक्सोर की अभी लेटेस्ट सीरीज आई है, अभी वैन एम एस आई थी इससे पहले, तो ये अभी लेटेस्ट आई है। वैन एम एस भी हमने ट्राई करे हैं तो वो हमें ज़्यादा बेटर लगे नहीं, वो एकदम थोड़े डल टाइप के थे। तो ये एकदम ग्लॉसी में बिल्कुल शाइन करता हुआ हमारी बाइक के साथ मैच भी कर रहा था, तो हमने ये वाला लिया है। इसके आगे वाइज़र है, ये वाइज़र पुला और ड्यूअल वाइज़र है ये। यहाँ पे एक बटन दिया है साइड में, इसको अगर हम पीछे की साइड बैक करेंगे तो ये देखिए ये ड्यूअल वाइज़र आ गया। इसके साथ हम अंदर बाहर वाला वाइज़र भी लगा सकते हैं। ये इसके अंदर कुछ चीज़ें दी हैं, ये है ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, अपने हेलमेट में स्टिक कर सकते हैं ताकि अगर कभी कुछ एक्सीडेंट का केस होता है या फिर कुछ होता है तो हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कोई भी एकदम से पता चल जाएगा कि इसका ब्लड ग्रुप ये है। और ये है एक्सोर की कुछ स्टिकर्स, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा, तो इसका स्ट्रैप ऐसा है पिन लॉक वाला, एकदम लॉक हो जाएगा। जिस जो भी राइडर्स हैं उन्हें पता होगा ड्यूअल लॉक है इसमें, तो ये नॉर्मल हेलमेट की तरह नहीं है। ये बेसिकली जो भी राइडर्स होते हैं उनके लिए होता है, जो भी मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर शौक रखते हैं अच्छे हेलमेट्स का, तो वो ज़्यादातर एक्सोर के हेलमेट्स ही ख़रीदते हैं। तो इसका ये आगे से ये देखिए हवा जाने के लिए, और इसकी ब्रांडिंग देखिए इसका, ये अब स्टिकर नहीं है, कुछ स्टील टाइप में चिपका हुआ है। और ये पीछे हमने इसे फिट कर दिया है, ये अलग से आता है, एक छोटा आता है एक बड़ा आता है। छोटा ये है, ये देखिए छोटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, एक ये बड़ा वाला हमने लगा दिया है। पॉलिथीन लगी होगी इसमें, पॉलिथीन निकाल के दिखा देते हैं आपको। इसमें कुछ लिखा हुआ है पॉलिथीन में, देखिए पिन लॉक, एंटी स्क्रैच एक्सल साइज है, ब्लूटूथ कंपेटिबल है ये हेलमेट। बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो पहला फीचर इसका है एंटी फॉग। एंटी फॉग जो कि आप देख सकते हैं, ये हरी हरी, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हरा हरा क्या हरा दिखेगा कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे खोलेंगे और इसकी निकाल देंगे अपने, अब ये बिल्कुल बन गया है ब्रांड न्यू एकदम चमचमाता हुआ। ये देखिए इसके अलग अलग वाइज़र्स आते हैं, ब्लैक ब्लू, जो कि जिनकी रेंज है 1000 रुपये खाली वाइज़र्स की। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं इस हेलमेट की क्या रेंज होगी, कमेंट में बताइए क्या लगता है आपको कितने रेंज का ये हेलमेट है। और ये देखिए इसका एंटी फॉग जो अलग से एक लेयर जैसी लग रही है, तो क्या होता है जैसे अगर अंदर आप कुछ सांस वांस लेते हैं या फिर बरसात में तो फॉग जम जाता है, तो इसमें वो काम नहीं होगा, बरसात में आप आराम से चला सकते हैं। और ये देखिए बटन से इसका दूसरा फीचर ड्यूअल वाइज़र, ये इसकी थैली भी निकाल देते हैं हम, ये खाली दिन में धूप में चलाते वक्त के लिए है। ये देखिए थैली में क्या लिखा हुआ है, इसके यूज ओनली फॉर डे टाइम एज वी सेड। ऊपर से ऐसा दिखता है कुछ, पीछे से कुछ ऐसा, तो जिन्हें कंफ्यूज है कि यार ये आई एस आई मार्क है कि नहीं है, आई एस आई मार्क है प्लस डॉट प्लस ई सी, तो ये
सब सर्टिफाइड है पूरा, इंडिया में भी और बाहर भी। बाहर हमारा ज़्यादातर डोर चलता है। तो नेवरलास्ट ये सीरीज़ है हमारी, और जिन जिन ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।